बॉलिंग स्ट्रांग है। अंबोली जोगेश्वरी प्रीमियर लीग 2022 सीजन चौथा का ये पहला सेमीफाइनल मैच। पहली ओवर लेके आए हैं महबूब भाई और हल्के हाथों से खेला है। बहुत ही तंदुरुस्त चुस्त है, 50 साल पार कर चुके हैं महबूब भाई, फिर भी देखिए उनके अंदर कितना फिटनेस, उनका फिटनेस देखिए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते, काफी अनुभव उनको क्रिकेट का महबूब भाई को। और ये एक रन, बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट रोहन साळुंखे, एक इनफॉर्म बल्लेबाज, एक ऑलराउंडर रोहन। बहुत ही बढ़िया शॉट, शॉर्ट पिच, जरा सा शॉर्ट पिच गेंद था और पूरा फायदा उठाया उनका। बहुत ही बढ़िया शॉट, टाइमिंग बहुत बढ़िया और चार रन प्राप्त किए। चार रन के साथ स्कोर पहुंचा है 6 रन। महबूब भाई फिर से एक बार तैयार, फिर बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार 4 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी रोहन के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका। अंबोली जोगेश्वरी प्रीमियर लीग का ये पहला सेमीफाइनल मैच और कल इसका टूर्नामेंट का फाइनल मैच होगा। कल 8 टीमें और भिड़ेगी। फिर से बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेल के, और ये डायरेक्ट हिट अगर लग जाता तो थोड़ा सा मुश्किल में आ जाते, पहुंच चुके थे वैसे। अच्छी नहीं रे, है ना अपना कंप्यूटर है, रिव्यू ले तो रहा है वो। अब स्ट्राइक पर आए हैं कृष्णा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, हल्के हाथों से बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद गई फाइन लेग की दिशा में, 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है, ओवर की समाप्ति 12 रन। दो चौका, 4 सिंगल। अरे सीधा ही साहब है यार, डॉट नहीं हुआ ना। पहली ओवर में 12 रन। दूसरा ओवर लेके आए प्रमेय, सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कृष्णा। बहुत ही स्लॉट में ये गेंद थी, कवर्स में खेलना चाहते थे, बल्ले का किनारा लगकर गेंद गई तर्डमैन की दिशा में, 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है दिल्ली जायका का 13 रन। अब स्ट्राइक पर आए रोहन, प्रमेय की अगली गेंद, और बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, लेग स्टंप यॉर्कर थी, अच्छी गेंद। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी प्रमेय की, और प्रमेय ने दीपल के साथ कुछ चर्चा की और विकेट कीपर, विकेट कीपिंग के लिए भेज दिया दीपल को, कुछ शायद कुछ करने वाले हैं। अंपायर का इशारा व्हाइट का, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर ने इसे व्हाइट घोषित किया है। लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद व्हाइट। अगली गेंद प्रमेय की, बैक पर कट किया है, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, टाइमिंग बहुत बढ़िया। ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, बहुत ज्यादा रूम दिया था और इस कारण कट किया और बहुत गैप में, गैप ढूंढने में कामयाब। इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है दिल्ली जायका का 18 रन।
फिर से कट किया है, देखना है। और ये फिर से तारमैन की दिशा में उमिया वहां पर, और एक लगातार दो बॉल पर दो चौके, 18 के बाद और एक चौका, 22 रन हो चुके हैं। दूसरा ओवर चल रहा है, 22 रन। फिर से लगातार तीन बॉल पर तीन चौके, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। स्लॉट में ये गेंद थी, बढ़िया तरीके से खेला प्रमेय, काफी महंगे साबित होते हुए। ओहो, लगातार चार बॉल पर चार चौके मारे हैं यहां पर, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी हो रही है रोहन सालुन के। ओवर की समाप्ति, 26 रन, दो ओवर 26, 13 के औसत से अब तक रन बने, सॉरी 30 रन 15 के औसत से अब तक ये रन बने हैं, दो ओवर 30 रन, पहले ओवर में 12, फिर दूसरे ओवर में 18 रन आए। एनसीसी के बॉलिंग को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के रख दिया है रोहन ने। अजय तीसरा ओवर लेके आए, अजय वाल्मीकि समाज के, अंबोली वाल्मीकि समाज के अजय आए हैं तीसरा ओवर लेकर, और सामने बल्लेबाज है जोगेश्वरी यादव नगर के एक ऑलराउंडर कृष्णा। और बैकफुट पर जाके हल्के हाथों से खेल के एक रन चुरा लिया, और ये डायरेक्ट हिट लगता तो थोड़ी सी, एक रन चुरा लिया, इस बीच स्ट्राइक रोटेट किया, और अच्छी सोच यहां पर कृष्णा की, देख रहे हमारे साथी बल्लेबाज रोहन अच्छे फॉर्म में है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उनको स्ट्राइक पर ज्यादा स्ट्राइक देना चाहते हैं, अच्छी सोच कृष्णा की। इस बीच अगली गेंद अजय की, बढ़िया सीधे ब्लॉक हॉल में, यॉर्कर गेंद, अच्छी गेंद, और यहां पर वाल्मीकि समाज सपोर्ट करते हुए अजय को, पूरी सपोर्ट यहां पर बॉलर को, और ये 6 रन। और इस टूर्नामेंट का ये तीसरा छक्का रोहन के बल्ले से निकला हुआ। अशोक जो कि देख रहे थे गेंद ग्राउंड से बाहर जाएगी, लेकिन जो 4 6 के बोर्ड लगे हैं, एक स्क्वायर लेग की दिशा में, एक मिड विकेट की दिशा में, और दूसरा लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और चौथा जो है वो पॉइंट की दिशा में, 4 बोर्ड ऐसे लगे हैं 6 रन के लिए। और बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, 6 के बाद ये चौका, काफी खतरनाक लग रहे हैं रोहन सालुन के जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओहो, और अच्छी फील्डिंग दीपल शाह, और यहां पर कृष्णा को रनआउट किया है, अच्छी फील्डिंग दीपल शाह की, पहला झटका दिली जायका को रनआउट के रूप में, और कृष्णा के आउट होने के बाद तुरंत नए बल्लेबाज प्रतीक वांगड़, सॉरी दिनेश आए हैं। ओह बढ़िया गेंद, रनआउट हो सकते हैं यहां पर, और डायरेक्ट हिट, रनआउट, दूसरा रनआउट ये इस ओवर में। तीन ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 41, 41 रन, और दिनेश के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज प्रतीक वांगड़ आए हैं, बढ़िया बल्लेबाजी रोहन सालुन के द्वारा। फोर्टी वन
41 रन में 36 रन बनाए हैं रोहन साळुंखे ने, बढ़िया बल्लेबाजी, 36 रन पर खेल रहे हैं। प्रमेय बढ़िया गेंद, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिला, कोई मौका नहीं शॉट खेलने का, छोड़ दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। प्रमेय खुद का दूसरा और मैच का चौथा ओवर लेके आए प्रमेय, और कवर्स में खेला है अजय, अच्छी फील्डिंग वहां पर, इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 42-42, चौथा ओवर प्रगति पर। इस टूर्नामेंट का ये पहला सेमीफाइनल मैच चल रहा है एजेसीएल का, दोनों ही टीमें प्रबल दावेदार है इस कप के। जोरदार अपील हुई है, और कैच का रिव्यू नहीं है यहां पर, अंपायर ने नकारा है तो कैच का रिव्यू नहीं है। अच्छी गेंद, शायद उनके ट्रैक्स पर लगकर यह गेंद गई इसीलिए आवाज आई। और बढ़िया गेंद 140 की स्पीड से, और यहां पर कंप्यूटर पे हमें बता रहा है 140 की स्पीड से यह गेंद फेंका गया था, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। और ये लेग बाइस, चार रन लेग बाइस के रूप में आया है चार रन। इस चार रन के साथ दिल्ली जायका का स्कोर 46-46 रन, चौथा ओवर प्रगति पर। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप यॉर्कर गेंद थी। बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, और इस बार ऑफ में दो बॉल पर दो चौके आए। दीपल शाह आए हैं आखिरी ओवर लेकर, स्कोर ये भाई रोहन का कितना हुआ बोलना, रोहन 45 रन पर खेल रहे हैं, रोहन 45 रन बनाकर खेल रहे हैं रोहन, और ये और एक चौका, लगातार तीन बॉल पर तीन चौके, और दीपल शाह भी मुस्कुरा रहे हैं, दोनों ही एक ही टीम के लिए खेलते हैं, अच्छे जानते हैं दोनों एक दूसरे के बल्लेबाजी को और गेंदबाजी को। तीन बॉल पर तीन चौके और 49 रन, 50 के लिए एक रन चाहिए इस टूर्नामेंट का। किसका नहीं रे, उसका रे, रोहन का। और ये 50 रन पूरे रोहन के, इस टूर्नामेंट का पहला अर्ध आप सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करते हुए पूरे दर्शक। इस टूर्नामेंट का चार सीजन हो चुके हैं लेकिन आज तक किसी ने अर्धशतक नहीं बनाए थे, और रोहन साळुंखे जो पहले बल्लेबाज है जिन्होंने आप सेंचुरी बनाए हैं, और उनके टीम का स्कोर है 60 रन जिसमें 50 रन अकेले रोहन साळुंखे का है, और यह पहला प्लेयर है जो इस मैदान में, इस टूर्नामेंट में सीजन 4 तक आज तक किसी खिलाड़ी ने आप